2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या, 90 के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज रात 9 बजे न्यूज 18 पर मेरा इंटरव्यू देखिए, कई मुद्दों पर मैंने अपने विचार रखे हैं। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आर्टिकल 370 से लेकर आरक्षण पर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। न्यूज 18 पर आज रात 9 बजे यह इंटरव्यू प्रसारित होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करते हुए देशवासियों से ये साझा किया गया है कि आज रात 9 बजे आप न्यूज 18 पर मेरा इंटरव्यू भी देखिए, कई मुद्दों पर मैंने अपने विचार रखे हैं। 2024 के चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, भ्रम की जो स्थिति विपक्ष की तरफ से पैदा की जा रही है, ऐसे तमाम मसलों पर पीएम ने खुलकर अपनी बात रखी है। न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में आज रात पूरा इंटरव्यू प्रसारित होगा 9 बजे, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है। 24 की 64 में फिलहाल कानपुर की मोती झील से इतना ही, खबरें जारी है, आप बने रहें हमारे साथ। एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है,